स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नवीन दहिया में। ये जो लेसन प्लान है वो साइंस के हैं। रियल टीचिंग लेसन प्लान आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। माइक्रो टीचिंग और जो मेगा लेसन प्लान है, जो सिमुलेटेड टीचिंग लेसन प्लान भी कहते हैं, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, माइक्रो टीचिंग और मेगा लेसन प्लान। ठीक है, अब जो मैं लेसन प्लान अपलोड कर रही हूँ वो है रियल टीचिंग के लेसन प्लान। आपके 12 जो लेसन प्लान बनते हैं फाइल में रियल टीचिंग के, कंप्लीट मैं करा दूँगी। 2 वीडियो में आपके रियल टीचिंग के लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएंगे। आज जो लेसन प्लान है वो 1 to 6 होंगे, एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँगी मैं, और इसकी PDF फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, आप लोगों की एक प्रॉब्लम है, आप बोल तो देते हो कि हमें ये वाली फाइल चाहिए या फिर हमें ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, जो भी आपकी डिमांड होती है। आपने बोल दिया मैंने प्रोवाइड करा दी, आप बोल के चले गए मैंने प्रोवाइड भी करा दी। आप क्या करते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और फिर मैं जब वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती। जब नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपको पता कैसे चलेगा, और उसके लिए आपको जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो की नोटिफिकेशन हमें मिल जाए तुरंत जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन तभी मिल जाए, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, मेरे तो किसी काम की है नहीं, आपके लिए बना रही हूँ, आपके बेनिफिट होगा आपको, सिर्फ आपके बेनिफिशियल के लिए बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी कोऑपरेट कीजिए, मैं भी कोऑपरेट कर रही हूँ। बहुत टाइम लगता है एक वीडियोज़ बनाने में और बहुत मेहनत भी लगती है। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि हमें ये सब प्रोवाइड हो जो आपकी डिमांड है, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको वैसे नोटिफिकेशन नहीं मिल जाएगी, आपको लास्ट में मिलेगी, बाद में मिलेगी, तब तक जो टाइम निकल चुका होगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं लेसन प्लान फर्स्ट, जो माइक्रो टीचिंग है। फर्स्ट लेसन प्लान है लॉ ऑफ मोशन। ये आपको जो टाइमिंग मिलेगा वो 35 to 40 मिनट्स का टाइमिंग होता है रियल टीचिंग लेसन प्लान्स का। ये वो वाली रियल टीचिंग लेसन प्लान होती है जो आप टेपी के लिए जाते हो, 4 मंथ्स की आपके ये जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है, 4 मंथ्स के लिए जब आप जाते हो तो आपको लेसन प्लान तैयार करने पड़ते हैं। ये वही लेसन प्लान है अगर आपने टीचिंग प्रैक्टिस की है तो। ठीक है, फर्स्ट आपको लिखना है जर्नल एम्स, फिर आपको लिखना है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आपको लिखना है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में आ जाएंगे आपके जर्नल एड्स। देखिए, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें वाइवा में काम आएंगी। अभी तो आप ये सोच रहे हैं बस आपकी फाइल कंप्लीट हो जाए, आपका काम ख़त्म, लेकिन आपको प्रॉब्लम आएगी जब आप प्रैक्टिकल के लिए एग्जामिनर के सामने बैठोगे, जब आपका वाइवा होगा। तो उसके लिए भी मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ, तो उसके लिए आपको वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। PDF फाइल से आप इजीली बना सकते हो फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको एग्जामिनर के सामने जब आपका वाइवा होगा तब आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं कहती हूँ आपको वीडियो ज़रूर देखनी है, फाइल आप PDF फाइल से बना सकते हो। ठीक है, नहीं नेक्स्ट पेज है ये जो एड्स होते हैं, टीचिंग एड्स। आपको इसमें 2 तरह के टीचिंग एड्स मिलेंगे, एक तो आपको मिल जाएंगे जर्नल एड्स, दूसरे आपको मिलेंगे स्पेसिफिक एड्स। ठीक है, फिर आपको जो नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड, आपको क्लास में एंट्री करने से पहले ये एक इमेजिनेशन करके चलनी पड़ेगी कि आप जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपने टॉपिक चूज़ किया है, उसके रिगार्डिंग बच्चों को नॉलेज होगी उस टॉपिक की, आपको ये इमेजिन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट होगा। जैसे आपने इमेज कर लिया कि आपने जो टॉपिक चूज़ किया है उसका बच्चों को कुछ नॉलेज होगी, उसी के बिहाफ पे आप टेस्टिंग लोगे बच्चों का। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है पीपल टीचर्स एक्टिविटी, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्टिविटी।
पीपल टीचर्स एक्टिविटी में एज ए टीचर आपकी एक्टिविटी होगी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में सारे स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होगी, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं सब इन्वॉल्व होंगे इसमें। इसमें आपको 3-4 क्वेश्चंस पुट अप करने हैं और लास्ट में आपको बच्चों का नो रिस्पॉन्स मिलेगा। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि आप लास्ट में आपने नो रिस्पॉन्स क्यों लिखा है, तब आप ये रिप्लाई करोगे कि हमने लास्ट में जो नो रिस्पॉन्स आया है उसी के आगे हम अपना टॉपिक अनाउंस करेंगे। बिकॉज अगर बच्चों को जहाँ तक पता है टॉपिक का वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ भी बच्चों की नॉलेज ख़त्म हो जाती है टॉपिक के रिगार्डिंग, आप उसी के बाद ही अपना टॉपिक अनाउंस करोगे और उसी के बाद ही आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक हो गया नो रिस्पॉन्स आने के बाद, फिर आपका जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट होगा। और प्रेजेंटेशन में फर्स्ट आपको लिखना है टीचिंग पॉइंट्स, उसके बाद आपको लिखना है पीपल टीचर्स एक्टिविटी, फिर लिखना है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, उसके बाद चॉक बोर्ड वर्क, ठीक है, या फिर क्लास बोर्ड वर्क भी आप लिख सकते हो। देखिए टीचिंग पॉइंट्स में आपको लिखना क्या है, इसमें आपके मेनली आ जाएंगे, मीनिंग आते हैं, टाइप्स वगैरह, करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ये सब आएंगे आपके टीचिंग पॉइंट्स में, मेन मेन जो टीचिंग पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद पीपल टीचर्स एक्टिविटी में एज ए टीचर आपकी एक्टिविटी होगी, जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया है, जो टॉपिक आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होगी, जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं आप जो पढ़ा रहे हो उसको बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। चॉकबोर्ड वर्क में आ जाएगी बोर्ड की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप कितना यूज़ कर रहे हो बोर्ड का, कितने पॉइंट्स आप बोर्ड पे लिख रहे हो, सारा का सारा आपका चॉकबोर्ड वर्क में एंटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो इसी का नेक्स्ट पेज है, ये टीचिंग पॉइंट्स में वही आपके मेन पॉइंट्स आ जाएंगे। पीपल टीचर्स एक्टिविटी में मैंने बता दिया एज ए टीचर आपकी एक्टिविटी होगी, जो भी आप पढ़ा रहे हो, जैसे आपने क्वेश्चंस पुट अप किया तो क्वेश्चन जब आप पुट कर रहे हो तो आपकी एक्टिविटी में पीपल टीचर्स एक्टिविटी में वो क्वेश्चन लिखा जाएगा, और अगर स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन का तो वो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखा जाएगा। उसके बाद चॉकबोर्ड वर्क पे आप जितना भी डायग्राम्स बना रहे हो या फिर पॉइंट्स आप लिख रहे हो, हेडिंग्स लिख रहे हो, सारा आपका चॉकबोर्ड वर्क में आएगा, जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे जितना भी आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज है, देन नेक्स्ट एंड लास्ट पेज है ये लेसन प्लान फर्स्ट का। देखिए फर्स्ट हमने लिखा था प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हमने की थी बच्चों से, वो था कि जितना भी बच्चों को आता है टॉपिक के रिगार्डिंग आप उसका टेस्ट करोगे, बच्चों से ओरल टेस्ट होगा, क्वेश्चंस पुट अप करोगे, लेकिन लास्ट में आपको पढ़ाने के बाद भी क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, ये जांच करने के लिए कि आपने जितना पढ़ाया है बच्चों को कितना समझ में आया, ठीक है। और उसके बाद आपको होमवर्क देना है, होमवर्क आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप बोल के भी लिख सकते हो, छोटी क्लास है तो आपको ब्लैक बोर्ड ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया लेसन प्लान फर्स्ट। लेसन प्लान सेकंड, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो भी मैंने लेसन प्लान फर्स्ट में बताया है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है लेसन प्लान सेकंड में, सिर्फ आपका टॉपिक चेंज होगा और आपके कॉन्टेंट्स जो है ये सब चेंज हो जाएंगे अंदर के, लेकिन ये जो जनरल एम्स हैं, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, ये आपके सेम रहेंगे इसमें। आपका जो नेक्स्ट चेंज होगा वो पीपल टीचर्स एक्टिविटी से यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो प्रीवियस नॉलेज आप टेस्टिंग लोगे तो यहाँ से आपका जो चेंज है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी आपने टॉपिक चेंज किया। फिर इसी तरह से आप अपना टॉपिक अनाउंस करोगे नो रिस्पॉन्स आने के बाद बच्चों का, फिर इसी तरह से आप कॉलम बनाते चलोगे, ये लेसन प्लान थर्ड, बिल्कुल सेम पैटर्न होगा और आपको स्टेप बाय स्टेप ही फाइल बनानी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप ही आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जो है क्वेश्चंस पुट अप पहले कर रहे हो और ऑब्जेक्टिव बिहेवियर आप बाद में लिख रहे हो, टीचिंग एड्स बाद में, नहीं, ये आपको नहीं करना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट ही फाइल को लिखते चलना है, ठीक है।
और ये याद रहे जो क्वेश्चन आप पुटअप करोगे लास्ट में नो रिस्पॉन्स लिखना है आपको, उसके बाद ही आपका जो टॉपिक है वो अनाउंस होगा। आप जितने भी डायग्राम्स बनाएंगे आप चॉकबोर्ड वर्क में या फिर क्लास बोर्ड वर्क में जो CBW होगा आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं ये, ठीक है। ये लेसन प्लान फोर्थ है, टॉपिक आपको चेंज करते रहना है। आई होप आपको लेसन प्लान का जो पैटर्न है वो समझ आ गया होगा, तो आप अपनी जो फाइल है वो इजीली बना सकते हो और आपको वाइवा फेस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप फाइल को समझ के बनाते हो तो। अगर एज ए कॉपी आपने कर ली तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और वाइवा में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ के करना अपनी प्रैक्टिकल्स फाइल को, काफ़ी अच्छी फाइल्स ये मैंने आपके लिए अरेंज की है। तो प्लीज़ अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये लेसन प्लान फिफ्थ है, पैटर्न सेम रहेगा लेकिन आपको टॉपिक जो है वो चेंज कर लेना है और टॉपिक के अकॉर्डिंग ही यहाँ से जो चेंज है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के बाद। जो आप यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करोगे यहाँ पे आपके चेंज आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। फिर लेसन प्लान सिक्स्थ है, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑटम, टॉपिक चेंज, पैटर्न नो चेंज। आप एक पैटर्न अच्छे से समझ ले, आपको हर लेसन प्लान में इसका जो यूज़ होगा वो पता चल जाएगा कहाँ पे क्या लिखना है, और फिर जब आप फाइल बनाते चलोगे लास्ट तक आपको समझ आ जाएगा कौन सा टीचिंग पॉइंट्स या फिर कौन सा जो पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट जो है कहाँ पे आएगा। तो अगर वाइवा लेते टाइम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और एग्ज़ामिनर यही जांचने के लिए कि आपने जो फाइल कॉपी की है या फिर आपने समझ के की है, यहाँ यहीं पे आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप इस फाइल को, इस टॉपिक को एक बार समझ ले, बार बार आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये लास्ट पेज है लेसन प्लान सिक्स्थ का, आपके लेसन प्लान जो है 1 to 6 कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक रियल टीचिंग लेसन प्लान के, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। PDF फाइल आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आपको वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी पैटर्न समझने के लिए और अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है उसको भी देखने के लिए, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही था, जो आपका फिजिकल का लेसन प्लान रियल टीचिंग लेसन प्लान है, एक दो दिन में आपकी फ़ाइल कम्प्लीट हो जाएगी, डिस्कशन बचते हैं, और 6 to 12 आपके रियल टीचिंग लेसन प्लान, सिर्फ 2 वीडियो और बनेंगी। आपका जो लेसन प्लान है फिजिकल साइंस की जो फाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तब मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ लेसन प्लान्स की उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एग्ज़ाम। थैंक यू।